हेलो सुपर स्क्वाड एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मेरे पीछे आपको दो S1000RR नजर आ रहे होंगे और मैं इस टाइम टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स पे मौजूद हूँ। क्या इन्वेंट्री है वो सारी आपको दिखाएंगे, बाइक्स को स्टार्ट भी करेंगे, उनका साउंड भी आप लोगों को सुनाते हैं। बड़ा मजे का ब्लॉग होने वाला है, बाइक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह लाहौर के अंदर राइड्स भी इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, वो भी करेंगे और उन पर भी आपको साथ लेके चलेंगे। अभी चलते हैं टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स और देखते हैं क्या क्या इन्वेंट्री मौजूद है। ये मेरे सामने इस टाइम दो बाइक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत BMW S1000RR, दिस इज़ द 2020 मॉडल एंड अनदर वन दैट इज़ 2018 मॉडल। बोथ बाइक्स आर फिटेड विद एक्रोपोविक और फुल सिस्टम के साथ हैं। अभी आपको इनका साउंड सुनाते हैं। क्या ज़बरदस्त बाइक्स हैं, नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल बाइक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जी 2020 को और देखते हैं इसका साउंड कैसा आता है विद फुल सिस्टम एक्रोपोविक। ब्यूटिफुल एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड साउंड। द सेकेंड बाइक इज़ अ BMW S1000RR 2018 मॉडल, वेरी नीट एंड क्लीन बाइक। बहुत कम आपको इतने नीट एंड क्लीन बाइक नज़र आते हैं इस मॉडल के अंदर। ये बाइक मेरे ख्याल में कोई 6500 चला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त बाइक है और इसके ऊपर भी एक्रोपोविक फुल सिस्टम है और इसका भी साउंड सुनते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि इस बाइक की आवाज़ कैसी है। लाउड बाइक मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में 2018 जो है उसका साउंड थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत 2020 के। बट बोथ बाइक्स दे आर वेरी ब्यूटीफुल विद अ स्पेशल वाइट ब्लू एंड रेड कलर स्कीम जो BMW की होती है, उसके अंदर दोनों बाइक अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैंने दोनों बाइक्स की राइड की हुई है और आउटस्टैंडिंग। वो बाइक अपनी जगह अच्छा है। इफ़ यू लाइक आपको ज़्यादा गैजेट्स पसंद है, आपको स्क्रीन पसंद है सामने बड़ी TFT और ज़्यादा आप स्मूथ राइड के शौकीन हैं तो आपको ये बाइक पसंद आएगा। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव राइडर हैं और आपको टॉप एंड के ऊपर बाइक भगाने का ज़्यादा मज़ा आता है और आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट्स नहीं चाहिए होते और आप नॉर्मल स्क्रीन के साथ भी गुजारा कर सकते हैं एनालॉग मीटर के साथ, तो दिस इज़ फॉर यू। द 2018 BMW S1000RR बहुत बाइक्स आर ब्यूटीफुल। अंदर चलते हैं और आपको मजीद बाइक सिखाते हैं। अब अंदर चलते हैं और सबसे पहला बाइक जो हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ जिक्सर GSXR 600। ब्यूटीफुल मैट ग्रे या मैट ब्लैक किस्म की कलर स्कीम है इसकी, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज़ अ 2016 मॉडल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत साफ सुथरा बाइक है और इसके अंदर ये जो मैट ब्लैक और मैट ग्रे के साथ इन्होंने ये जो मरून ब्लड रेड किस्म के इन्होंने रिम्स दिए थे, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इस बाइक के ऊपर फुल सिस्टम के साथ है और ब्यूटीफुल बाइक, ब्यूटीफुल साउंड। आपको स्टार्ट करके भी सुनवा देता हूँ। ओ सुजुकी है तो मुझे क्लच होल्ड करना पड़ेगा। मैं बाइक्स की कोशिश करूंगा आपको प्राइस भी साथ साथ बताता जाऊं। दिस इज अ 2016 मॉडल जिक्सर 600 और इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो अराउंड 36-37 लाख रुपीज़ है। तो ऑन टू द सेकंड बाइक, दिस इज़ द BMW F750 GS, द ब्यूटीफुल ट्रिपल ब्लैक और बहुत ही खूबसूरत कलर स्कीम है। दिस इज़ अ 2023 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल और 0 मीटर बाइक है ये, राइट फ्रॉम दीवान और ब्यूटीफुल कलर स्कीम, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत खूबसूरत बाइक है ये, इसकी लुक्स, इसकी हर चीज़, ब्रेम्बो ब्रेक्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट।
लाइट्स देखे ऐसे लगता है जैसे क्रिस्टल्स लगे हों अंदर। और इस बाइक की जो आस्किंग है वो है राउंड अबाउट 10 मिलियन, और बिकॉज इट्स अ 2023 मॉडल तो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव बट वर्थ इट, दिस बाइक इज़ ब्यूटिफुल। अगले बाइक की तरफ हम चलें तो हमारे पास है जी डुकाटी मल्टी स्ट्राडा 950। दिस इज़ द सिंपल वन, नॉट द एस मॉडल, मगर बहुत ही वेल केप्ट बाइक है। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी ये बाइक जब मैं इन्वेंट्री शो कर रहा था सनी बाइक की, तो हमने ये दिखाया था, ये बाइक बहुत ही साफ़ सुथरा बाइक है। और इसके अंदर स्पोक्स व्हील्स नहीं होते, अलॉय रिम्स होते हैं, और छोटी मोटी बिल्कुल माइनर से चेंजेस हैं जो इसको सेपरेट करती हैं फ्रॉम द एस। मगर ये कलर स्कीम बहुत प्यारी है, रेड कलर स्कीम, द डुकाटी रेड, ब्यूटीफुल। द नेक्स्ट बाइक इज़ BMW R1200 आर्मी ग्रीन कलर के अंदर। ये कलर स्कीम भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये भी बड़ा खूबसूरत बाइक है, ख़ास तौर पे जो एडवेंचर राइडर्स होते हैं उनको ये बाइक बहुत पसंद आएगा। स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ है, वेल केप्ट बाइक है, बहुत साफ़ सुथरा है। इसके अंदर गैजेट्स वगैरह तो आपको पता है BMW के हर बाइक के अंदर होंगे, हीटेड ग्रिप्स वगैरह, क्रूज कंट्रोल, एवरीथिंग। तो आप इसको ऑन द हाईवे, ऑन द रोड्स भी इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं इस बाइक को। जो डुकाटी है इसकी जो आस्किंग है वो अराउंड अबाउट 66 लाख रुपीज़ है, और R1200 की आस्किंग है 58 लाख। अच्छा जी, इस तरफ आएँ तो हमें सबसे पहले हार्ले डेविडसन नज़र आएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के अंदर है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं। इस बाइक की आस्किंग जो है वो अराउंड अबाउट कोई 4 मिलियन से 4.5 मिलियन के दरमियान इसकी आस्किंग है, ब्यूटीफुल बाइक। उसके बाद KTM एडवेंचर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बाइक जो सनी भाई सियालकोट वाले हैं उनने परचेज कर लिए है 1090R, और उन्होंने उसके ऊपर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस भी करवाई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तो ये सामने उन्होंने ये वाली ग्रिल लगवाई है, और दूसरा उन्होंने इसके ऊपर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगवाया है GR मोटो का, वेरी ब्यूटीफुल साउंड। और ये ऑरेंज और वाइट कलर स्कीम तो मेरी वैसे भी फेवरेट है, खूबसूरत खूबसूरत है ये बाइक। बस अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो प्लान करें और हमारे साथ किसी ट्रिप के ऊपर जाएं। अभी खैर वो आजकल मसरूफ़ हैं अपनी रैलीज़ के अंदर, क्योंकि अभी सरफरंगा भी आ रही है और गवादर रैली भी आ रही है, तो लेट्स सी, दिस इज़ नॉट फॉर सेल एक्चुअली। उसके बाद ये हमारे पास BMW आ जाता है, दिस इज़ अ ओल्ड बाइक बट वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर स्कीम, और बहुत वेल केप्ट बाइक है। आई थिंक इट्स अ BMW F650, आई एम नॉट श्योर इट्स अ 700 और 650, उमेर भाई से कन्फर्म करके मैं आपको बता दूंगा। और बहुत खूबसूरत बाइक है, राउंड अबाउट 3 मिलियन इसकी आस्किंग है, वेरी 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 ब्यूटिफुल बाइक। उसके बाद हमारे पास है जी कावासाकी H2, ये वही H2 है जिसकी मैंने लास्ट टाइम राइड की थी, और आपने वो राइड बड़ी पसंद की थी, बड़ी एग्रेसिव मशीन है, आफ्टर मार्केट बहुत ज़्यादा इस बाइक के ऊपर सामान लगा हुआ है। इस बाइक की आस्किंग जो है वो राउंड अबाउट 8 मिलियन रुपीज़ है, मगर वर्थ इट, क्या खूबसूरत बाइक है, क्या इसका थ्रॉटल रिस्पांस था, और क्या इसको राइड करने का मज़ा आया, अमेजिंग बाइक। और अगर मेरे पीछे आप यहाँ पे देख रहे हो बाइक्स के पीछे, तो आपको यहाँ पे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी नज़र आ रहे हैं, एयर फिल्टर्स आपको नज़र आएंगे KNN के, स्प्रिंट के, DNA के, और आपको ब्रेक पैड्स भी नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है वो है जो हमारे लुब्रिकेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको अब मोटोल भी नज़र आ रहा होगा, एम्स ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पाकिस्तान में ये सब चीज़ें रेडिली अवेलेबल हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये जो सामने आप 300V देख रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैंने अब नेक्स्ट बाइक के अंदर कोई ऑयल चेंज करवाया तो मैं ये डलवाऊँगा, अमेजिंग अमेजिंग ऑयल। और काफ़ी आफ्टर मार्केट यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, एयर फिल्टर्स वगैरह, ये स्टिकर्स वगैरह भी अगर आप अपनी फेयरिंग्स के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है, टैंक पैड्स वगैरह भी। तो थैंक यू सो मच आज का ब्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।